दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में फरार इनामी आरोपी पहलवान सुरजीत ग्रेवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सुरजीत की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। सुरजीत ओलंपियन सुशील का करीबी रहा है। सागर धनखड़ हत्याकांड में ये 13वीं गिरफ्तारी है। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। सागर हत्याकांड में अभी कुल 18 आरोपियों की पहचान हुई है। इस मामले में चार्जशीट तैयार है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। स्पेशल सेल DCP संजीव कुमार के अनुसार ACP जसवीर सिंह की टीम को 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि सुरजीत अपने गांव बामला जिला भिवानी हरियाणा आएगा। ACP जसवीर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर विवेकानंद पाठक व कुलदीप सिंह की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुरजीत ग्रेवाल ने खुलासा किया कि सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में सभा के दौरान विकास अरविंद और भिंडा को पहले टाटा और मारपीट की। इसके बाद सुशील प्रिंस दलाल सुशील कुमार सुनील व अन्य साथियों के साथ हथियारों के साथ फिर से स्टेडियम में चला गया और फिर वापस आ गया। सुशील अन्य साथियों के साथ फिर शालीमार बाग आया, जहां उन्होंने अमित और रविंदर उर्फ बिंडा को अपनी कारों में जबरन घसीटा और वापस स्टेडियम आ गया। स्टेडियम में सुशील कुमार और सुरजीत और अन्य साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद वे मॉडल टाउन गए और सोनू महाल सागर धनखड़ और भगत सिंह उर्फ भगत को कारों में उठाकर स्टेडियम ले आए। स्टेडियम में यहाँ पीड़ितों को लाठी और डंडे से पीटा गया। इस विवाद में सागर धनखड़ अमित और सोनू महाल गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में सागर की मौत हो गई। सुरजीत ग्रेवाल पहलवान सुशील कुमार के करीबी रहा है।